एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रौनक रेसिपी में। आज हम बनाने वाले हैं एक खास रिफ्रेशमेंट ड्रिंक जिसे गर्मियों के मौसम में बनाया जाता है। आज की रेसिपी है खीरे का जूस। दोस्तों, गर्मियों का सीजन आ चुका है, मार्केट में खीरों की बहार है, क्यों नहीं इस खीरे के जूस को घर पर बनाया जाए। खीरे के जूस पीने से और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। खीरे का जूस हमारे वेट लॉस में भी काम आता है। तो चलिए जानते हैं खीरे का जूस कैसे बनाएं। खीरे का जूस बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जो आइटम यूज किए हैं, मैंने यहाँ पे 400 ग्राम फ्रेश खीरे लिए हैं और खीरे को अब हमें सबसे पहले साफ पानी से धो लेना है। साथ ही मैंने यहाँ पे आधा बाउल चीनी ली है, ये करीबन 5 चम्मच के आसपास है। 8 से 10 हमें यहाँ पे पुदीने के पत्ते ले रहे हैं। पुदीने के पत्ते से खीरे के जूस में एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। 2 मैंने यहाँ पे नींबू लिए हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर। 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक लिया है और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है काला नमक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं खीरा जूस रेसिपी। खीरे का जूस बनाने के लिए अब हमें सबसे पहले खीरा लेना है और खीरे को डंठल की साइड से काट के इस तरीके से इस पर थोड़ा सा कट लगाने हैं और कट लगाने के बाद इसे हम थोड़ा सा घिस लेंगे और उसके बाद इसे हमें दोनों साइड से इस तरीके से काट लेना है। तो सभी खीरों को साइड से काटने के बाद अब हम यहाँ पे एक छिल्लर लेंगे और छिल्लर की सहायता से इस तरीके से हमें खीरे का जो ग्रीन पार्ट है इसे हमें हटा लेना है, यानी जो इसका छिलका है इसे हम सारा हटा लेंगे। तो इसी तरीके से हमें सभी खीरे को जो बाहर का छिलका इसे हम हटा लेना है और बाकी जो ये छिलका बचता है इसे हम फेंक देंगे और खीरे को एक बार फिर से साफ पानी से धो लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे एक साफ पानी से धो के रख लिया है। अब हमें यहाँ पे खीरे को इस तरीके से काटना है। पहले खीरे को बीच में से 2 टुकड़े कर ले, उसके बाद इसे थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में काट लें ताकि जब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीसें तो ये आसानी से पीस जाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सभी खीरे को काट के एक प्लेट में रख लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं खीरे का जूस रेसिपी। खीरे का जूस बनाने के लिए अब हमें सबसे पहले एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेना है और मिक्सर ग्राइंडर जार में हम डालेंगे कटे हुए खीरे और फिर हम यहाँ पे डालेंगे पुदीने के पत्ते और उसके बाद हमें यहाँ पे डालनी है चीनी। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और फिर हमें यहाँ पे डालना है सफ़ेद नमक। शुरुआत में हमें यहाँ पे नमक का थोड़ा यूज़ कम ही करना है। साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे पानी। मैंने यहाँ पे आधा गिलास के आसपास पानी डाला है। तो अब इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लेंगे। तो मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में बारीक तरीके से पीस लिया है, तो इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का बाउल लिया है और उसके ऊपर से रखा है स्ट्रेनर यानी छन्नी रखी है और फिर इस पर हम डालेंगे नींबू का रस। और नींबू का रस डालने के बाद अब इसमें हम पिसा हुआ जिसे मैंने ग्राइंड किया है खीरे का जूस डालेंगे। और खीरे को जूस को डालने के बाद अब हम मिक्सर ग्राइंडर को जार को भी धो लेंगे और जार को धोने के बाद अब हमें इस तरीके से एक स्पून की सहायता से इसे चलाना है और जो खीरे का जूस है उसे अलग कर लेना है और जो खीरे का गूदा है इसे हम हटा देंगे। खीरे के जूस में अब हमें यहाँ पर मिलाना है भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ ही इसमें डाल देंगे काला नमक। अब हमें सारे आइटम को अच्छे से करना है मिक्स, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा खीरे का जूस बनके तैयार है, परफेक्ट तरीके से बना है। इसे एक ग्लास में शिफ्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा समर स्पेशल खीरे का जूस बनके तैयार है। बस इसमें आइस क्यूब्स डालें और ठंडा ठंडा पिए। आप भी इसी तरीके से खीरे का जूस घर पर बना सकते हैं। आपको मेरा खीरे का जूस बनाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, रेसिपी अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।